स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मरद से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मरद ने सुना। शुरू करें निर्मल भारत अभियान। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें, जहां सोच वहां शौचालय। दादाजी मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू, मैं जीत गई दादाजी। जीत नहीं था। दीदी आप नहीं, एमडी है। यही तो है एमडी है, चला मसाले का कमाल। Mr. Happy Kumar is so happy with his job, he can't see the millions of opportunities around him. I'm so happy. Clickjobs.com. Are you happy? उनके बच्चे फिर पेंसिल तोड़ी तो टांग तोड़ दूंगा। हाँ, और ये तुम्हारे दोस्तों के लिए टॉफी जो में है कॉफी और क्रीम की दोस्ती। राहुल ने मुझे नहीं पेंसिल दी। प्रिया गोल्ड टॉफी जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MDH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH MDH। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ओ जल जीरे की आई बहार, पियो जी जल वाले हैं। जल जीरा दही भल्ला पापड़ी को स्वादिष्ट बनाए, गर्मी से राहत दिलाए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और नमस्कार। वंदे मातरम में आपका स्वागत है, मैं मुकेश कुमार। आज वंदे मातरम में हम चर्चा कर रहे हैं योग गुरु बाबा रामदेव के बेटा पैदा करने की गारंटी देने वाली दवा पुत्र जीवक बीज की। रामदेव की दिव्य पीठ की दवा जिसका नाम पुत्र जीवक बीज है, धरले से ना सिर्फ बाजार में पुत्र पैदा करने की गारंटी देने वाली दवा के रूप में बेचा जा रहा है, बल्कि इसका प्रचार प्रसार भी जोर शोर से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राज्यसभा में जदयू सांसद केसी त्यागी के मामला उठाने और मीडिया में आलोचना के बावजूद बाबा रामदेव इसका नाम तक बदलने को तैयार नहीं। रामदेव के पुत्र जीवक बीज पर विवाद, क्या बाबा बनाते हैं बेटा पैदा होने की दवाई? बाबा रामदेव की दवाई पर उठे गंभीर सवाल, जवाब देने में बाबा रामदेव कर रहे सियासी योग, बचाव में बेशर्मी पर उतरे बाबा रामदेव, कहा नहीं बदलेंगे पुत्र जीवक बीज दवा का नाम। आज हम चर्चा करेंगे मोदी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की हवा निकालने वाली बाबा रामदेव की दवा की और दवा के बचाव में आए उनके बेशर्म बयान की। तो करते हैं वंदे मातरम की शुरुआत और सबसे पहले दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए वो पूरा मामला कि आखिर ये मामला है क्या, ये कंट्रोवर्सी आखिर सामने आई कैसे। पूरी दुनिया में योग के बल पर अपनी पहचान बनाने वाले बाबा रामदेव का विवादों से पुराना नाता रहा है। बाबा रामदेव इन दिनों अपनी ही फार्मेसी में बनने वाली दवा पुत्र जीवक दवाई को लेकर न केवल कटघरे में है, बल्कि बाबा रामदेव विवादों के साथ हमेशा से ही लुका छिपी का खेल खेलते आए हैं। बाबा रामदेव को कुछ दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में बेटी बचाओ का नारा लगा रहे हैं। लेकिन ये दुखद और शर्मनाक है
कि उनके करीबी माने जाने वाले योग गुरु रामदेव की कंपनी दिव्य फार्मेसी बेटा पैदा करने की दवा बेच रही है। गुरुवार को जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राज्यसभा में इस बाबत मुद्दा उठाया, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। बेशक हरियाणा सरकार कुछ दावे करे, लेकिन इस दवा से पीजीआई की रिसर्च पर्दा उठाती है। रिसर्च के मुताबिक हरियाणा में जब से अल्ट्रासाउंड सेंटरों में शिकंजा कसा गया है, तब से लोग पुत्र जीवक बीज की ओर मुड़ गए हैं। लोग इस दवा का सेवन धड़ल्ले से कर रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर, हकीम, वैद्य, हर कोई इस दवा को खुलेआम बेच रहा है। रिसर्च के मुताबिक इस दवा में शिवलिंगी और मधुफल की मिलावट है। जब इस बीज को लैब में टेस्ट कराया गया तो पता चला कि इसमें स्टेरॉइड की मात्रा ज्यादा है, जिसके सेवन करने से बच्चे डिफेक्टिव पैदा हो रहे हैं। इस दवा के सेवन से पैदा होने वाले बच्चे दिखने में तो पुरुष जैसे होते हैं, मगर इनमें महिलाओं के ऑर्गन होते हैं। फिलहाल इस दवा को लेकर एक और रिसर्च चल रही है, जिसके परिणाम जल्द ही सामने आएंगे। बाबा पर आरोप है कि वो लोगों को बेटा पैदा करने वाली दवाई बेचते हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब बाबा रामदेव पर उनकी दवाइयों को लेकर आरोप लगे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो करेंगे वंदे मातरम की शुरुआत, और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको अपने मेहमानों से इंट्रोड्यूस करा दें। हमारे साथ दिल्ली में हमारे साथ एक गेस्ट है दिल्ली स्टूडियो में, जो कि बैठे डॉक्टर राहुल तिवारी, चिकित्सक हैं, और इसके अलावा प्रभावती गौर, जो कि हमारे साथ देहरादून से जुड़ी हुई महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, और रविंद्र जुगरान, जो कि बीजेपी के नेता हैं। ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम वंदे मातरम में। तो करते हैं शुरुआत इस वंदे मातरम की, और सबसे पहले चलते हैं हम देहरादून, जहां पर हमसे जुड़े हुए हैं बीजेपी के नेता रविंद्र जुगरान। रविंद्र जी, सबसे पहले सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, जदयू के सांसद केसी त्यागी ने इस मामले को राज्यसभा में उठाया कि पुत्र पैदा करने की गारंटी देने वाला, हालांकि इस डब्बे पे जो दवा बेची जा रही है उस डब्बे पे ऐसा कुछ नहीं लिखा जा रहा, लेकिन जो बेचा जा रहा है उसको इस दावे के साथ बेचा जा रहा है कि इस दवा के खाने से पुत्र ही पैदा होगा। और इसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई, कंट्रोवर्सी के बाद बाबा रामदेव जो है वो अपनी सफाई देने के लिए भी आए, लेकिन सफाई जिस तरीके से उन्होंने पेश की है वो सफाई भी बड़ी बेशर्मी की सफाई है। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है नाम बदलने से, और हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि इसके नीचे वो एक लाइन जरूर लिखवा देंगे कि इससे लड़का या लड़की होने या के पैदा होने से इस दवा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने नाम बदलने से सीधा इनकार कर दिया है। क्या कहेंगे आप, बाबा रामदेव अपनी दवा बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो राज्यसभा में माननीय सांसद केसी त्यागी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस अति महत्वपूर्ण विषय को संसद के समक्ष, सरकार के समक्ष, सरकार के संज्ञान में लाए। जब तक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, आशंकाएं शंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं, तब तक इस दवाई की बिक्री पर बैन लगना चाहिए। जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती, इसके दुष्प्रभावों का आंकलन नहीं हो जाता, किसी भी देखिए रविंद्र जी आप बात को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, बात को उलझाने की कोशिश मत कीजिए। यहां दवा की क्वालिटी पे कोई सवाल ही नहीं है, दवा हानिकारक है या लाभप्रद है इस पे कोई सवाल नहीं है, उसके नाम से समस्या है और उसको जिस रूप में बेचा जा रहा है उस पे समस्या है। ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस नाम को सीधे तौर पे नाम बदलना चाहिए, दवा पे बैन लगना चाहिए, तो बात की बात है, सीधे तौर पे आकर के नाम बदलने की मांग क्यों नहीं करते आप लोग? हर एक चीज को जांच में उलझा के क्यों रखना चाहते हैं? अरे आप, हाँ, अब उत्तर भी आप ही देंगे कि मैं दूं? नहीं, आप बताइए। निश्चित रूप में जिस नाम से भ्रम उत्पन्न हो रहा हो और जो लिंग भेद करने वाला नाम प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ रहा हो, ये देश जो है सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, सीता का देश है और नारी यहां पूजी जाती है, और ये लिंग भेद करने वाली दवा का टाइटल अत्यंत आपत्तिजनक है, इसमें बदलाव किया जाना नितांत जरूरी है। भारत सरकार वर्तमान हो या पूर्व की सरकार हो,
लिंग भेद को मिटाने के लिए इतने बड़े बड़े कार्यक्रम प्रोग्राम। बिल्कुल रविंद्र जी, आप आपने स्टूडियो में मीडिया के सामने सही में जो बात कही है, अप्रिशिएट करते हैं आपको, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जो आपके आप ही के पार्टी के मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, कराया जाना भी आवश्यक है। बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और उसी हरियाणा से के एम्बेसडर भी है बाबा रामदेव, वो तो उनका बचाव कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि बाबा रामदेव से उनकी बात हुई है और इस दवा के जो दवा को जो नाम का जो नाम है वो मूल में यही इस हर्ब का नाम है, जिसकी वजह से इस नाम से ये दवा बेची जा रही है और उन्होंने सीधे तौर पे बचाव किया है उनका। मैं कहना चाहूंगा कि नाम में परिवर्तन किया जाना चाहिए, नाम से लिंग भेद की बदबू आ रही है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने से पहले देशवासी हूं, देश का नागरिक हूं और राष्ट्र के हित में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अलग अलग कार्यकर्ताओं में, चाहे वो जमीन का कार्यकर्ता हो या मुख्यमंत्री, सबकी सोच में सबके जो उसमें अंतर हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी का मेरा ये निश्चित मत है कि जब तक भ्रम की स्थिति बनी हुई है तब तक इस पर बैन लगना चाहिए और भविष्य में इस नाम पर भी आपत्ति है जो कि गलत संदेश लिंग भेद का जा रहा है, इसलिए नाम में भी परिवर्तन किया जाना नितांत जरूरी समझता हूं मैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे लगता है कि आपसे बहुत लोग सहमत होंगे। हम प्रभावती गौर जी के पास भी चलेंगे, महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं केसी त्यागी जी का वो बयान जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था, राज्यसभा में जब मामला उन्होंने उठाया था तो उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले उसको सुनते हैं। किसी अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रिलीजियस, क्या है ग्राउंड ऑफ द सेक्स, दिस इज फॉर द सेक्स डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आह्वान किया है, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार ने जिस व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उसकी फार्मेसी से ये मिल रहा है और ये मैंने खुद खरीदा है, रसीद 14 तारीख की है, ताकि एक सेकंड ताकि कोई सदस्य ये ना कहे कि ये जी हां, तो ये थे केसी त्यागी जिन्होंने मामले को उठाया है, गंभीर मामला, हम इस पर लेकर के आज चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से पुत्र जीवक बीज के नाम से ये दवा धरले से बेची जा रही है, बाबा रामदेव के पतंजलि फार्मेसी से ये दवा निकली है और चारों तरफ इसी नाम से गारंटी दे रही है कि ये पुत्र ही पैदा होगा इससे। हम चलते हैं प्रभा देवी गौड़ के पास, प्रभावती गौड़ के पास चलते हैं, महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। प्रभावती जी, शुरू से कल से ये मामला चल रहा है, आप भी सुन रही होंगी और बाबा रामदेव ने प्रतिक्रिया भी दी है, सफाई भी पेश की है, इनफैक्ट अगर आपने सुनी है बाबा रामदेव की सफाई तो आप उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दें, अगर नहीं सुनी है तो हम आपको सुनाएंगे। अगर आप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो नाम दिया गया है दवा का, पुत्र जीवक बीज, क्या लगता है ये कहीं ना कहीं लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ है? ये लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ समझो या लोगों को बेवकूफ बनाना समझो, मैं तो ये चाहूंगी कि सरकार को इस उस पर एक तुरंत बैन लगा देना चाहिए इस दवाई पे, और ऐसी कंपनियों पे भी बैन लगना चाहिए जो इस तरह की भ्रामक दवाइयां बेच रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों के अंदर एक इस तरह का भ्रामक वो पैदा कर रहे हैं। मैं आप लोग अभी सुना है कि हरियाणा में जो है धरने से ये दवाई बेच रही है, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी और ये पूछना चाहती हूँ उनसे कि पूरे हमारे देश में हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां लड़कियों की संख्या बहुत कम हो गई है और आज वो लोग, मैं खुद इसकी गवाह हूँ, आज हरियाणा के लोग जो है पहाड़ों में जा रहे हैं बहू ढूंढने के लिए, जब लड़की नहीं मिल रही है वहाँ, तो इसके बावजूद भी आज अगर वहाँ की जनता ये चाहती है कि लड़के ही पैदा हो, तो मैं तो ये चाहूंगी लड़की एक औरत जो धरती है, अगर तुम उस धरती का ही मतिया मेट कर दोगे तो कहाँ से तुम पैदा हो गया और कहाँ से तुम जो है तुम्हारी जनसंख्या बढ़ेगी और कहाँ से इस तरह की भावना जो है जिन लोगों के अंदर, एक दिन ऐसा आएगा कि समाज में असंतुलन हो जाएगा और इस ऐसा असंतुलन। प्रभावती जी, प्रभावती जी, क्या महिला आयोग कोई एक्शन लेगी रामदेव के खिलाफ?
क्या महिला आयोग कोई नोटिस भिजवाएगी? जहां बातें होती हैं वहां जांच पहुंचता है। क्या आप लोग अपने स्तर पे जांच करेंगे इस तरह की जो है? जी प्रभाती जी बताएं। अपने स्तर से जांच भी करेंगे और सबसे पहले उनको नोटिस भिजवाएंगे कि इस तरह की भ्रामक चीजें वो ना बताए समाज को और इस तरह का व्यापार ना करें समाज को। रामदेव जी जो है एक बिल्कुल मैं तो समझती हूँ कि इस तरह से व्यापारी बन गए हैं वो, और इस तरह का व्यापार ना करें जिससे समाज में अव्यवस्था पैदा हो रही हो, समाज का बुरा हो रहा हो, समाज का उत्थान नहीं, समाज का विकास नहीं बल्कि समाज का पतन कर रहे हैं ये। बिल्कुल प्रभावती जी आपकी बात हम वहां तक ही पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं, आपके साथ चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन आपको पहले सुनाते हैं कि बाबा रामदेव जी ने क्या सफाई पेश की है इस ये जो आरोप लगाया है उन पर, उसके बाद उन्होंने सफाई क्या पेश की वो आपको सुनाते हैं। बोल दिया भैया बाबा ना बेटा पैदा करता है ना बेटी पैदा करता है। बाबा लोगों को ये बताता है कि भाई योग करो, निरोग रहो, संतान नहीं पैदा हो रही है तो कपालभाति करो, यूट्रस ठीक हो जाएगा, ओरी ठीक हो जाएगी, प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा, यूट्रस की फाइबर सौरी की सिस्ट ठीक हो जाएगी, फिर ट्यूब बन जाए तो खुल जाएगी। अभी वो लोग बाबा तो यूँ बता रहा था कि भाई कैसे संतान पैदा करें। अभी भाई बीमारी है, एक लोग चला दिया बाबा का काम सूत्र। बाबा ने क्या काम सूत्र बताया भाई? सेक्सुअल डिसऑर्डर कपाल भाती से दूर होते हैं, फिलिपियन ट्यूब खुल जाती है। हिंदी नाम भी पुत्र जीवक है, पुत्र जीवा है, इसका गुजराती नाम भी पुत्र जीवक है, कन्नड़ नाम भी पुत्र जीवा है, और तेलुगु नाम भी, सारे नाम, मराठी नाम भी पुत्र जीवा है, अब नेपाली नाम भी पुत्र जीवा, बंगाली नाम भी पुत्र जीवा। अब हम क्या करें भाई? अब इसका नाम ही पुत्र जीवक है। अब ज्यादा ही गलत फहमियां फैलाएंगे तो हम इस पर भाई एक लाइन और लिखवा देंगे कि इसका पुत्र या पुत्री प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है। अब ये भी तब छपेगा जब ये लेवल खत्म हो जाएगा। माने ऐसी भ्रांत बातें पिछले करीब दो महीने से लगातार फैलाया जा रहा है। लोग भ्रांति पैदा करने में, अफवाहें फैलाने में, बाबा को बदनाम करने में, और बाबा के सहारे, मैंने कहा एक फकीर के सहारे देश के वजीर आलम को, नरेंद्र मोदी साहब को बदनाम करने में जो है अब मुद्दों के आधार पर घेरो गए मोदी जी को। आप ये बेटा बेटी का मुद्दा उठा करके और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की क्यों कोशिश करते हो? बिल्कुल कंटेंट पे सवाल उठा रहे थे कि नाम ही यही है, जो दवा में जो कंटेंट है, जो चीज दी गई है उसका हर एक भाषा में, हर एक क्षेत्र में यही नाम है, इस बचाव कर रहे हैं। बाबा रामदेव जी से यह भी पूछा जाना चाहिए क्या कंटेंट के आधार पर नाम रखना इतना जरूरी था? क्या उनको पता नहीं चला है कि ये नाम भ्रामक हो सकता है, खासतौर पे हरियाणा जहां के जहां से वो आते हैं और उस प्रदेश के वो एम्बेसडर भी है, ब्रांड एम्बेसडर है वो हरियाणा के, वहां पर जो सेक्स रेशियो है वो कितना कम है, पूरे देश में सबसे कम है। कंटेंट के आधार पर नाम काफी कम रखे जाते हैं, खासतौर पर वैसे समय में जब कंटेंट जो है वो भ्रामक है, उससे एक गलत मैसेज जा रहा है, तो क्या नाम बदल देना चाहिए? मेरे हिसाब से सब पूरे यहाँ पे जहाँ पे भी ये नाम जाना जाता है, इसी नाम से ही लोग यहाँ पे इसको जानते हैं, मगर यहाँ पे अगर इतना बड़ा अगर ये इशू होएगा जैसे हरियाणा में इसको बेचा जा रहा है किसी गलत पर्पस के, तो मेरे हिसाब से इसका नाम बदलने में कोई बड़ी बात नहीं है, नाम बदल देना ही इसके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि उससे कम से कम लोग भटकेंगे तो नहीं। बिल्कुल, इसका नाम अगर माना कि इसे ये बीज बेच रहे हैं, ये पुत्र जीवक बीज है जिनका नाम पुत्र जीवक बीज ही है, लेकिन इसके दूसरे नाम से भी इसे बेचा जा सकता है। अगर रामदेव जी भी इस बात को जानते होंगे कि इस नाम से भ्रांति फैल रही है और इसको लेकर के लोगों में दुष्प्रचार हो रहा है, लोग इसको, हो सकता है पतंजलि योग का जो है वो उनका इंटेंशन ऐसा नहीं हो, लेकिन जो दूसरे लोग बेच रहे हैं उनके उनकी दुकान से जो बिक रहा है वो पुत्र पैदा करने की गारंटी के रूप में इस दवा को बेचा जा रहा है, कितना सही है उनका बचाव, कितना सही है उनको बेचने का तरीका, इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ प्रभावती गौड़ जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, महिला आयोग की उपाध्यक्ष है देहरादून से। प्रभावती जी, जिस तरीके से बचाव किया है रामदेव जी ने अपने इस दवा को, उन्होंने कहा है कि इसमें बीज का नाम ही है, हर एक भाषा में जो है हर एक भाषा में यही नाम है, वो क्या कर सकते हैं, क्या कहेंगी आप? नहीं, मैं तो इसको बिल्कुल गलत मानती हूँ, इसका नाम ही बहुत गलत है, भ्रामक है, या ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सोचती हूँ, मैं समझती हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसे खा के पुत्र पैदा हो,
या संतान पैदा हो, ऐसी दवाई कोई बनी नहीं आज तक। तो इसलिए मैं तो बाबा रामदेव से ये सुझाव दूंगी उनको कि इस तरह का प्रचार न करके, बल्कि मोदी जी का जो हमारे प्रधानमंत्री है उनका समर्थन करके वो ये प्रचार प्रसार करें कि भाई बेटी बचाओ अभियान में अपना सहयोग दें। तो मैं ये उम्मीद रखूंगी उनसे। बिल्कुल, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है और इस जो अभियान की शुरुआत हुई थी वो भी हरियाणा से ही हुई थी, पानीपत से इस अभियान की शुरुआत की गई थी और उस मौके पे बाबा रामदेव भी थे और वहां पे मनोहर लाल खट्टर जो कि मुख्यमंत्री हैं वो भी थे। बावजूद इसके उन्होंने इस तरीके के की जो दवा के बाद जो कंट्रोवर्सी हुई है इस कंट्रोवर्सी पे सीधे तौर पे नाम बदलने से इनकार किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो नाम इतिहास में दिया गया उसी नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। आगे भी बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं रविंद्र जुगरान जी। रविंद्र जी, क्या आप जिस तरीके से, आप तो सहमत हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि नाम बदला जाना चाहिए, लेकिन क्या आपके दूसरे नेता मनोहर लाल खट्टर जो कि मुख्यमंत्री हैं और जहां के वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं बाबा रामदेव, क्या आपको लगता है कि आप जैसे कार्यकर्ताओं की बात भी पार्टी के भीतर में सुनी जाएगी? क्या आप एक जो आपके अध्यक्ष हैं अमित शाह या जो आपके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, क्या आप उन तक भी अपना संदेश पहुंचाएंगे? देखिए, निश्चित रूप में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने गर्भस्थ शिशु के भ्रूण परीक्षण को संज्ञेय अपराध माना है, हम देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड सेंटर्स में किसी भी प्रदेश में छापे पड़ते हैं, डॉक्टर्स को पकड़ा जाता है, प्राइवेट हो सरकारी हो, जो भ्रूण का परीक्षण करके ये बताते हैं कि बच्चा लड़की है या लड़का, जब ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है तो जी पुत्र जीवक दवाई बेचना भी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। हम तो कहते हैं कि रामदेव जी की मंशा हो सकता है गलत ना हो, लेकिन इसका जो लोग इसका अनुचित लाभ उठा के इसकी बिक्री बढ़ा के पैसा कमा रहे हैं वो तो इसको पुत्र जीवक की गारंटी के साथ ही बेच रहे होंगे, तो ये भी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल, इसलिए इस पर बैन लगने के साथ साथ नाम में भी परिवर्तन अति आवश्यक है। बिल्कुल, बैन भी लगना चाहिए और नाम में भी परिवर्तन होना चाहिए, बीजेपी के नेता जुगरान जी का मानना है। हमारे साथ केसी त्यागी से बात की हमारी संवाददाता नीलम शुक्ला ने, हम उसको सुन लेते हैं एक बार। बाबा रामदेव के पुत्र जीवक बीज वाला मामला राज्यसभा में उठाने वाले केसी त्यागी हमारे साथ हैं। त्यागी जी, आपके संज्ञान में यह मामला आया कैसे? मुझको हरिद्वार से कुछ डॉक्टर्स ने अप्रोच किया कि पतंजलि ग्रुप एक ऐसे प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार और बेचने में लगा है जिससे समाज में भ्रामक प्रचार होता है। फिर मैंने इस खरीद करके रखा इसको और इसको मैंने संसद में उठाया कि अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक कैंपेन चलाया है और उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं जो पुत्र बीजक बीज बेच रहा है, तो मुझको ये अच्छा नहीं लगा। अब आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि इस मामले को आप काफी पहले भी उठा चुके हैं, काफी समय से उठा रहे हैं, मामला तूल इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि राज्यसभा में कल ये मामला उठाया गया। अब आप चाहते हैं कि क्या कार्रवाई हो बाबा रामदेव पर और उनकी फार्मेसी पर? खाली बार इतना चाहता हूं कि इस दवाई को विड्रॉ किया जाए और सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर के जिससे लिंग अनुपात घटता बढ़ता हो ऐसा कोई पदार्थ जो है बाजार में नहीं आना चाहिए। इस तरह का पहले भी मामला रामदेव पर हो चुका है और हुड्डा सरकार ने एक बार उनके एक और दवाई पर बैन भी लगा दिया। आपको क्या लगता है, क्या इससे कुछ सुधरेगा? हो सकता है कोई और नाम के साथ ये प्रोडक्ट बाजार में आ जाए? मुझे लगता है कि जो प्रोडक्ट बाजार में मोदी जी का है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके सामने रामदेव जी का जो प्रोडक्ट वो बिक नहीं पाया। तो साफ है केसी त्यागी जी रामदेव जी पर तो उंगली उठा रहे हैं, लेकिन उनको इस बात की तसल्ली भी है कि नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ अभियान चला रहे हैं और यकीनन इस मामले में कोई ना कोई कार्रवाई भी करेंगे। बिल्कुल, तो ये केसी त्यागी जी थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से डॉक्टर ने उन्हें अप्रोच किया था और हरिद्वार से ही अप्रोच किया था, देहरादून हरिद्वार से अप्रोच किया था कुछ डॉक्टर ने, उसके बाद ये मामला जो है सामने आ पाया। हम आपको बताते हैं कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब रामदेव
योग गुरु रामदेव कंट्रोवर्सी में फंसे हैं, कभी दवा को लेकर के तो कभी जमीन को लेकर के तो कभी रामलीला मैदान से भागने को लेकर के, हमेशा वो कंट्रोवर्सी में रहे हैं। और क्या क्या कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ी हुई है, एक रिपोर्ट के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं। बाबा रामदेव की दवाओं पर भी सवाल उठते रहे हैं। 2006 में सीपीएम नेता वृंदा कारात ने रामदेव की दिव्य फार्मेसी की दवाओं में हड्डियों का चूरा होने का आरोप लगाया। ये मामला विवादों में फंस कर रह गया, लेकिन साल 2012 में रामदेव कनखल आश्रम से खाद्य विभाग ने दिव्य फार्मेसी के कई उत्पादों के नमूने लिए, जिन्हें रुद्रपुर लैब की जांच में खरा नहीं पाया गया। 2007 में पुत्रवती से किया गया पुत्रजीवक बीज दिव्य फार्मेसी की दवा को लेकर विवाद नया नहीं है। इससे पहले भी पतंजलि योगपीठ में शपुत्रवतीश नामक दवा बेचने को लेकर काफी विवाद हो चुका है। 2007 में उत्तराखंड सरकार के आदेश पर मामले की जांच भी की गई थी, जिसके बाद इस दवा को बेचना बंद कर दिया गया था। योग के बहाने कारोबार, बाबा रामदेव पर योग के बहाने कारोबार करने के आरोप लगते रहे हैं। टैक्स न भरने के तमाम मामलों में इनकम टैक्स से लेकर सेल्स टैक्स विभाग तक रामदेव के ट्रस्ट के खिलाफ कदम उठा चुके हैं। विदेश से करोड़ों के संदिग्ध लेन देन पर ईडी का शिकंजा भी उन पर है। गुरु की गुमशुदगी, बाबा रामदेव के गुरु और दिव्य योग पीठ के संस्थापक शंकर देव साल 2007 में लापता हो गए थे। इस मामले को लेकर कई विरोधियों ने बाबा रामदेव की तरफ उंगली उठाई। इस विवाद ने खूब तूल पकड़ा। फिलहाल इस मामले में केस दर्ज कर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। चेले बाल कृष्ण के बचाव का भी आरोप, बाबा रामदेव के चेले आचार्य बाल कृष्ण भी नागरिकता और दस्तावेजों के फर्जीवाड़े के आरोपों में सीबीआई जांच के घेरे में है। आरोप है कि बाल कृष्ण नेपाली नागरिक हैं और उन्होंने फर्जीवाड़े दस्तावेजों के सहारे भारतीय पासपोर्ट हासिल किया है, लेकिन बाबा रामदेव चेले के साथ खड़े हुए हैं। जी हाँ, जिस तरीके से एक के बाद एक कंट्रोवर्सी बाबा रामदेव के साथ जुड़ रही है, उससे तो कह सकते हैं कि ये कंट्रोवर्सी बाबा इनको यदि कहें तो कोई ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे साथ एक कॉलर दिल्ली से जुड़ गए हैं, वो हमसे अपनी बात शेयर करना चाहते हैं। जी बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो, मैं शिखा बोल रही हूँ दिल्ली से। ये जो बेटा पैदा करने वाली बात रामदेव बाबा के सामने आई है, ये बहुत गलत चीज है। बेटा पैदा करने वाली ये दवाई कहाँ से आई है? कभी ऐसा हुआ नहीं है कि दवाई बनी हो, और आज ये बाबा रामदेव दवाइयां दे रहे हैं, गलत चीज है। एक तरफ सरकार बेटा पैदा करने पर अल्ट्रासाउंड पर रोक लगाती है, दूसरी तरफ ये दवाइयां बिक रही हैं, बहुत ही गलत चीज है। ऐसी दवाइयां नहीं बननी चाहिए, और इस चीज पर महिला पर भी असर पड़ेगा इस चीज का, और ये दवाइयां महिलाओं को नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो जो दर्शक है हमारे वो भी काफी जागरूक है, वो भी इसका सीधे तौर पर विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योति सिंह जी जुड़ गए। ज्योति जी, स्वागत है आपका वंदे मातरम में। जिस तरीके से बाबा रामदेव जी का एक नया सगुफा आया है, बेटा पैदा करने की गारंटी देने वाली दवा पुत्र जीवक बीज, क्या कहेंगे आप? मुझे तो आश्चर्य होता है, इस भारतीय जनता पार्टी जो कम्युनल सोशलिस्ट देश को चल रही है, जो इस आदमी को आप हरियाणा में इनको एम्बेसडर बनाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, और जिस हरियाणा में जहां पर कि बच्चों को आप बाहर भी नहीं आते, भ्रूण हत्या के मामले में आप भारतीय उस जो प्रदेश सबसे आगे हो, उस प्रदेश का ये आदमी वहां पर ब्रांड एम्बेसडर है। और ये तो कुछ नहीं, ये बाबा रामदेव शुद्ध रूप से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ से कुछ करते रहते हैं। ये शुद्ध रूप से महिलाओं का अपमान है। ये भारत देश में जो भारतीय जनता पार्टी जो अपना इलेक्शन जो सूची में जब आई, उसमें महिलाओं को जितना सम्मान की बात करते रहे, उससे बिल्कुल उलट कर ये शुद्ध रूप से महिलाओं का अपमान है। और बाबा रामदेव को इस पर बिल्कुल सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, और ये बिल्कुल ही गलत बात है। हाँ बिल्कुल, ज्योति सिंह जी, जिस तरीके से बचाव किया है, कल से ये मामला चल रहा है, राज्यसभा में किसी त्यागी जी ने इसे उठाया था, उनके उठाने के बाद से बाबा रामदेव आज
दिल्ली में जवाब देने के लिए भी आए, सफाई भी पेश किया उन्होंने, लेकिन साफ तौर से इनकार कर दिया दवा का नाम बदलने से। उन्होंने कहा कि दवा का नाम नहीं बदला जाएगा, क्योंकि जो नाम है वो काफी ऐतिहासिक है, पौराणिक है, और इसी नाम से ये जो हर्ब है ये इसी नाम से हर एक भाषा में मिलती है, हर एक जगह हर एक भाषा में यही नाम है इसका, पुत्र जीवक बीज। जी ज्योति जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया, हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, हमारे साथ बैठे हुए डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है जिस तरीके से लोगों में कुछ खास तौर से अगर आप हरियाणा की बात करें या जो पिछड़े प्रदेश है वहां अगर बात करें, गांवों की बात करें, तो वहां तक ये बात जो है, वहां के लोग, वहां की महिलाएं इतनी एजुकेटेड नहीं होती, जिसके कारण जो झोला छाप डॉक्टर है वो इस तरीके के का एडवांटेज लेते हैं और इस तरीके की दवा को वो इन्हीं इलाकों में बेचते हैं। पढ़े लिखे लोग तो इससे नहीं खरीदते, लेकिन जो गांवों में जिस तरीके से बेचा जा रहा है इसको, जो हमारे पास जो मामले सामने आए हैं वो गांवों के ही हैं, वहां पर ये दवाएं, ये जो बीज है, ये बीज धरले से बेचे जा रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। क्या आपको लगता है अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन इस दवा का सेवन करे, इस तरीके के की दवा का, तो क्या कोई असर पड़ सकता है बच्चे पर जो पैदा होने वाला है? देखिए ये डिपेंड करता है, हम लोग तो सजेस्ट करते नहीं हैं किसी तरीके की बाहर की कोई दवाई प्रेगनेंसी के दौरान ली, सिर्फ हम हेल्थ सप्लीमेंट्स में बोलते हैं कि न्यूट्रिशनल चीज़ें, कैल्शियम, फोलिक एसिड, ये सब चीज़ें लिया जाए, जितना कम दवाई का हम यूज़ करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान उतना अच्छा रहता है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस किसी भी दवाई से हो सकता है, तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि कोई भी दवाई प्रेगनेंसी के दौरान ना ले, सिर्फ खाने पीने पे जोर रखे और कैल्शियम वगैरह जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसके ऊपर जोर रखे। मैं कभी भी इस चीज़ की सपोर्ट में नहीं रहूंगा कि कोई भी किसी तरीके की दवाई प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाए, खासतौर से वो जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर के बताए, तो बिल्कुल ही नहीं अलाउ करना चाहिए, क्योंकि ये चीज ही पूरी पूरी गलत होती है। क्या डॉक्टर साहब, एक चीज, क्या ऐसी कोई दवा हो सकती है क्या? ये पूछना भी मुझे हास्यास्पद लग रहा है, लेकिन कुछ दर्शकों के लिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या ऐसी कोई दवा हो सकती है जो सेक्स चेंज कर दे आकर के प्रेगनेंसी के दौरान? हमें तो इस चीज का कोई नॉलेज नहीं है, ना ही हमने मेडिकल साइंस में इस तरीके की कोई पढ़ाई की है कि कोई इस तरीके की दवाई होती है, तो इस तरीके की दवाई अगर आती हो तो वो ऊपर वाले को ही पता है, हमें तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हाँ जरूर ये है, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए जरूर स्टेप्स होते हैं, उसकी दवाइयां भी होती है अगर कुछ कारण के वजह से इनफर्टिलिटी हो, मगर इस तरीके का कोई हमें कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में, और ना ही मेरे हिसाब से किसी भी मेडिकल फील्ड में डॉक्टर को नॉलेज होगा कि इस तरीके कोई दवाई होता है। हर कोई प्रेगनेंसी में आपको यही सजेस्ट करेगा, कम से कम दवाई लें और ज्यादा फोकस खाने पीने पर करिए। मैं तो इस चीज को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। बिल्कुल, तो कम से कम दवाइयां लें और इस तरीके की जो दवा है जो भी दे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करें। रामदेव के पुत्र जीवक बीज पर विवाद, क्या बाबा बनाते हैं बेटा पैदा होने की दवाई? बाबा रामदेव की दवाई पर उठे गंभीर सवाल, जवाब देने में बाबा रामदेव कर रहे सियासी योग, बचाव में बेशर्मी पर उतरे बाबा रामदेव, कहा नहीं बदलेंगे पुत्र जीवक बीज दवा का नाम। डॉक्टर राहुल तिवारी जी से हम बात कर रहे थे कि इस प्रेगनेंसी के दौरान जो है क्या किसी तरह की दवा लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। हमारे साथ हर्बल एक्सपर्ट आरएस गुलेरिया भी है, उनसे भी बात किया है हमारे संवाददाता ने, उनकी बात हम देखते हैं कि क्या कहते हैं वो इस पूरे मामले को। राज्यसभा में मुद्दा उठने के बाद बाबा रामदेव की पुत्र बीजक दवा जो है वो विवादों के घेरे में है, आइए हम इस पर बात करते हैं। हर्ब्स के एक्सपर्ट है हमारे साथ में डॉक्टर आरएस गुलेरिया। सर जिस तरह से कल हंगामा हुआ कि बाबा रामदेव जो दवा बेच रहे हैं वो पुत्र बीजक दवा है और उससे पुत्र होता है, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, इसका प्रावधान है पुत्र जीवक के नाम से, ये एक हर्ब है, उसको किसी विधि विधान से अगर हम लेते हैं तो आयुर्वेद में इसका वर्णन है कि हम पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु आज रामदेव जी ने उसका वो भी किया है कि ये जो है दवाई वो
इसलिए क्योंकि नाम ही उसका पुत्र जीवक है, तो उन्होंने बंगाली में भी गिनाया, मराठी में भी गिनाया, अंग्रेजी में भी गिनाया। अगर उनकी इंटेंशंस ठीक होती, ये जो हमारी सेक्स रेशो ऑलरेडी नेगेटिव में चल रही है, लड़कियां कम हैं और जेंट्स ज़्यादा हैं, तो इसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और जानबूझ के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उसका असली नाम छुपाया, जो आयुर्वेदिक नाम है वो शिवलिंगी है। आयुर्वेद को बढ़ाने का जो श्रेय, खास करके अगर हम योग की बात करें, क्योंकि योग गुरु एक तरह से बोले जाते हैं, बाबा रामदेव जो है पूरे देश में उनका प्रचार प्रसार, यहाँ तक कि हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, सरकार भी उन्हें कहीं ना कहीं लगातार बढ़ावा दे रही है और योग शिविर चला रही है, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से वो जो मुहिम चला रखी है, अब आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि जब उनका स्टॉक खत्म हो जाएगा तो उस दवा के ऊपर वो संतान प्राप्ति दवा के नाम से या बीज के नाम से वो उसे करेंगे, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं रामदेव अपने आप को बैक रिएक्शन में ले रहे हैं? नहीं, ये योग तो बहुत अच्छा करवाते हैं, नो डाउट इंडिया में और भारत का नाम इन्होंने अच्छा किया है, इवन और भी कई अच्छे काम कर रहे हैं, हमें उनको भी देखना चाहिए। नेपाल में इन्होंने बड़ा अच्छा स्वच्छ अभियान चला रखा है, ऐसे ही जब बद्रीनाथ में ट्रेडी हुई थी तब भी उन्होंने, परंतु आयुर्वेद के नाम पे पहले तो ये जो है ज्योतिष को नहीं मानते और मून चार्ट को नहीं मानते, मून चार्ट के बिना आयुर्वेद अधूरा है। क्योंकि हर्ब्स एक्सपर्ट हैं, सरकारी संस्थानों में भी आपका काफी कुछ योगदान रहा है, तो क्या लगता है जिस तरह से उन्होंने ये दवा चला रखी है या और जो चीजें, इन पे सरकार को कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए? सरकार एक्शन नहीं ले पाएगी क्योंकि वो पास हुई हुई फार्मुलेशन है और उन्होंने वैसे कुछ गलत नहीं किया अगर हम लीगली देखें तो। बस अगर उनकी मंशा ये रहती कि हम पुत्र जीविक ना बेच के तो इसको शिवलिंगी नाम लिख देते तो वो हमारे समाज के लिए और अच्छा होता, आगे भी वो करें, मेरी राय यही है। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर आरएस गुलेरिया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें, हालांकि आयुर्वेद के अंदर इस तरह की दवा पॉसिबल है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका ज्ञान जो है खुद बाबा रामदेव और उनके लोगों को भी नहीं है। और अब हम ले चलते हैं सीधा आपको हरिद्वार, जहां से हमारे पास कुछ जनता के रिएक्शन आए, कुछ जनता इस पूरे मामले पर क्या कह रही है, क्या बात कर रही है, इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रही है, उसको जानने के लिए चलते हैं सीधे हरिद्वार। एक तरफ मोदी सरकार बेटी बचाओ अभियान लगातार विज्ञापन के जरिए भी, और मोदी सरकार पूरी लगी हुई है कि बेटी बचाओ, जिससे कि समाज में बेटियों की संख्या बढ़े, लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है। और दूसरी तरफ बाबा रामदेव जो है वो एक पुत्र जीवक बीज दवाई बेच रहे हैं, कितना गलत है और कितना सही है, आप इसके क्या कहेंगे? सरासर ये जो है मोदी सरकार की और भाजपा सरकार की और रामदेव जी की दोहरी मानसिकता का परिचय है, जहाँ पे एक और बेटियों को बचाने का अभियान चलाया जा रहा है, वहीं पे बाबा रामदेव पुत्र जीवक जो बीज बेचने का काम कर रहे हैं वो कि सरासर गलत है। जो पुत्र जीवक ये बीज दे रहे हैं उसमें ये बहुत गलत कर रहे हैं, और सभी जगह ये कहा जा रहा है कि पुत्री बेटी बचाओ बेटी बचाओ, और आजकल बेटियों की संख्या वैसे ही बहुत कम हो रही है, और हरियाणा में तो इतनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं लोग कि उनको बेटियां नहीं मिल रही हैं शादी के लिए, और हरियाणा इस चीज से बहुत दुखी है, और बाबा रामदेव जी को चाहिए कि वो बेटी बीज यंत्र को बनाना चाहिए, ना कि पुत्र बीज को। इसमें मेरी राय है कि दोनों सरकारों को मिलके, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे वो केंद्र सरकार है, बाबा रामदेव जी के खिलाफ या और भी जो संगठन या जो ऐसी दवाइयां दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये सभी लोगों का यही कहना है कि बाबा रामदेव जो है वो गलत दवाई बना रहे हैं, उनको बेटी वर्धक बीज बनाना चाहिए जिससे कि बेटियों की संख्या बढ़ सके। जी हाँ, तो एक तरफ मोदी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और दूसरी तरफ बाबा रामदेव की बेटी घटाओ बेटा बढ़ाओ अभियान, दोनों की तरफ से कंट्रोवर्सी है, लोगों में भी काफी विरोध है, लोग जो है काफी आलोचना कर रहे हैं इसकी। और आपको मैं बता दूं कि इस बार इस समय टीवी स्क्रीन पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं वो आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप उसमें फोन के जरिए आप मुझे SMS कर सकते हैं, अपने संदेश आप मुझे लगातार भेज सकते हैं, और हमारा ईमेल ID भी टेलीविजन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उस पर आप ईमेल के जरिए भी अपना सुझाव आप हमसे भेज सकते हैं, हमसे साझा कर सकते हैं। इस बीच हमारा एक दर्शक शबाना हमसे जुड़ गई है। जी शबाना, बताएं क्या कहना चाह रही हैं? मैं सहारनपुर से बोल रही हूँ, मेरा नाम शबाना है, और मैंने ये प्रोग्राम देखा, सिर्फ राय रखना चाहती हूँ कि इस तरीके से बाबा रामदेव जो बेटों के लिए यहाँ पर
दवाइयां दे रहे हैं सरासर गलत है, क्योंकि एक तरफ बेटियों को बचाने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ इस तरीके की अगर यहाँ पर दवाइयां दी जा रही है सरासर गलत है, क्योंकि एक तरफ जो है कानून यहाँ पर लिंग परीक्षण के लिए रोक लगा रहा है, दूसरी तरफ इस तरीके के काम करना कानूनन जुर्म है, सख्त सख्त कार्रवाई कर दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक और दर्शक दिल्ली से जुड़ गए हैं हमारे साथ, राजीव है जी। राजीव बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप। मेरा नाम राजीव है और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जो बाबा रामदेव पर जो आरोप लगे हैं वो कोई पहले आरोप नहीं, इससे पहले भी बाबा रामदेव पर आरोप लगते रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एक प्रकृति की जो बनावट है उससे छेड़खानी करने की कोशिश बाबा रामदेव ने की। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं बाबा रामदेव पर, तो निश्चित रूप से बाबा रामदेव की जो दिव्य फार्मेसी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी राजीव, ये थे राजीव दिल्ली से। इसके साथ ही राजेंद्र उधम सिंह नगर से हमारे साथ जुड़ गए। जी राजेंद्र बताएं क्या कहना है आपका। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो राम जो है यहाँ तो बड़े बड़े अभियान चला रहे हैं देश में, जहाँ वो महिला बचाओ और बेटी बचाओ, बेटियों को शिक्षा देने की बात कहते हैं, वहीं जो बिजनेस पार्ट उनका है उस पार्ट में तमाम तरह के विज्ञापन से शो कर रहे हैं, और जहाँ इस दवा की बात हो रही है ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके नियत पे प्रश्न उठाता है की प्रश्न उठाते हुए, और ये कहता है कि जो चीजें ये मार्केट में लेके आ रहे हैं, हो सकता है कि कोई औषधि हो क्या हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो ये मुहिम लेके आते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी को शिक्षा दो और बेटियों की सम्मान करो, देश में बेटियों की संख्या बढ़नी चाहिए, तो कहीं ना कहीं उससे ये चोट करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो सारे जितने भी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं सभी इस दवा का विरोध कर रहे हैं, रामदेव के इस मूव का विरोध करेंगे, जिस तरीके से वो एक तरफ ब्रांड एम्बेसडर है हरियाणा का, जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी जहां से, और दूसरी तरफ ये बेटी घटाओ और बेटा बढ़ाओ अभियान की शुरुआत में लगे हुए हैं। सारे दर्शक इसका एक साथ विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ शर्मिष्ठा मुखर्जी भी हैं जिनसे बात की है हमारी संवाददाता नीलम शुक्ला ने। एक बार सुन लेते हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी, कांग्रेस की नेता, उनका क्या कहना है। कांग्रेस की प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी हैं। शर्मिष्ठा मैम, जिस तरह से पुत्र जीवक बीज बेचा जा रहा है, क्या कहेंगी आप इसको? इस घटना, ये जो इशू है, इसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, खाली कांग्रेस डीपीसीसी स्पोक्सपर्सन के नाते नहीं, एक महिला होने के नाते, क्योंकि एक आप एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आप एनकरेज कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है और इसको हम बहुत ही स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार इसको इमीडिएटली स्टॉप करे इस तरह की, क्योंकि हमारे कानून में इस तरह की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करना मना है। जैसे कि हम प्री प्रेगनेंसी, हम सेक्स टेस्ट नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बेटा बेटी इक्वल दर्जा रखते हैं, इक्वल मायने रखते हैं। तमाम तरह की सफाइयां दे रहे हैं बाबा रामदेव, कह रहे हैं कि अगर अश्वगंधा की बात की जाए तो कल को उन पर यह आरोप भी लग सकता है कि घोड़े को मारकर उन्होंने दवा बना दी, या फिर सर्पगंधा की बात की जाए तो सांप का चूर्ण बना दिया। उसी तरह से जो पुत्र बीजक है वो भी एक बीज है और उसका वही नाम है, और इसलिए वो नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है। नहीं नहीं, उनका देखिए, अश्वगंधा जो है, अश्वगंधा और सर्पगंधा ये तो हर्ब्स हैं, लेकिन इसमें अगर ये पुत्र जीवक बीज, मैंने तो कभी नहीं सुना, मैं भी काफी हर्बल उसमें, बट हो सकता है कि मुझे, मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसका उन्होंने किस तरह से, किस इशू से, किस मोटिवेशन, किस मोटिव से इसको उन्होंने इसकी एडवर्टाइज करी, और ये ऐसे हैं कि पुत्र जीवक उसी तरह से लगता है कि आप मतलब पुत्र पैदा करने के लिए ही आप इसको प्रमोट कर रहे हो। जी, शर्मिष्ठा मुखर्जी जो कि कांग्रेस की नेता हैं, वो जिस तरीके से कह रही थी, हमारे सभी सांसद, हमारे जितने भी मेहमान जुड़े हैं सभी के करीब करीब कहें जो एक ही तरीके से कहना, सभी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं सिवाय रामदेव की। हालांकि अब हम सीधा चलते हैं अब देहरादून, जहां से हमारे दोनों गेस्ट हमारे काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रविंद्र जी, जिस तरीके से आपने कहा कि नाम बदलने के लिए आप भी पक्ष में है कि नाम बदलना चाहिए और आप भी विरोध कर रहे हैं इसका, एक तरफ नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, सरकार की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई है, दूसरी तरफ ये जो दवा जिस तरीके से धरले से बेची जा रही है उससे बेटी घटाओ और बेटा बढ़ाओ अभियान ऑटोमेटिकली शुरू हो गया, क्या आपको लगता है जिस तरीके से दवा मार्केट में, हालांकि अभी मार्केट से विड्रॉ किया जा रहा है इसको, लेकिन जिस तरीके से मार्केट में फैला था ये कहीं ना कहीं वो जो अभियान है बेटी बचे बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, कहीं ना कहीं उसको धक्का है? हेलो,
हेलो। हाँ जी रविंद्र जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या जिस तरीके से ये इस दवा जी रविंद्र जी बताएं जी। ऐसा है कि मुझको पूरा विश्वास है कि भारत सरकार समय रहते हमारी जो शंकाएं आशंकाओं को दूर करेगी और बहुत कठोर कदम इस मामले में लेगी। दवाई को तो बैन कर दिया गया है, संभवतः नाम का भी परिवर्तन होगा क्योंकि ये संवेदनशील और उत्तरदायी सरकार है। नहीं रमन जी, अभी दवा को बैन नहीं किया गया, अभी दवा को बैन नहीं किया गया। हमारी संवाददाता जब दुकानों में गई थी, यहाँ पतंजलि की जो दुकान है यहाँ पे पतंजलि के दवा, हाँ तो वो दुकान अभी फिलहाल बंद है। अब किस कारण से बंद ये नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल दुकानें सारी बंद हैं। दिल्ली के 3-4 दुकानों का जायजा लिया था हमारी संवाददाता नीलम शुक्ला ने, लेकिन सभी दुकानें बंद थी। दुकानों में अभी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये भी नहीं कह सकते क्योंकि दुकान में हम जा नहीं पाए। 3-4 दुकानों का जायजा लिया था हमारी संवाददाता ने, लेकिन दुकान पे ये चीजें नहीं मिली, दुकान बंद मिली थी सारी। जी बताएं रविंद्र जी। मुझे पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसमें कठोर कदम उठाएगी, संवेदनशील और उत्तरदायी सरकार है। और जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन बीजेपी की गवर्नमेंट चला रही है तो ऐसी चीजों को कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली है भारत सरकार। क्या एक रमन जी एक चीज और, चूंकि आप सत्तारूढ़ दल के नेता हैं तो आपसे लोगों की उम्मीदें ज्यादा है, आपसे लोग यह भी जानना चाहेंगे कि दवा में खराबी है या अच्छाई है इस पर चर्चा नहीं हो रही है। जो लोगों का जो विरोध है, लोगों की जो आपत्ति है वो इसके नाम को लेकर है। केसी त्यागी ने भी कहा था कि अगर इसका नाम बदल दिया है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं क्योंकि ये हर्ब्स है, इसके इस्तेमाल से दूसरे फायदे भी हो सकते हैं, लेकिन नाम को लेकर के आपत्ति है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये नाम जानबूझ करके बाबा रामदेव ने रखा था और उनका इंटेंशन ये था कि इस नाम के जरिए उनका व्यापार है और उनका जो उनकी जो ये दवा है वो ज्यादा बिकेगी और वो लोग जिस तरीके से अंधविश्वासी होते हैं, जिस तरीके से नीम हकीम के चक्कर में पड़ जाते हैं और जिस तरीके से पुत्र प्राप्ति की इच्छा खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है, उसकी भावनाओं का एक तरह से नाजायज दोहन करके उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये चीज किया है अपने नाम को खासतौर पर। जबकि एक बार पहले भी इस नाम पे जब रोक लगाया जा चुका था फिर तो उसी तरीके से उसी से मिलता जुलता नाम लगा करके फिर से उस दवा को बेचना, कहां तक उनका इंटेंशन है? आपको क्या लगता है केवल दवा को बंद कर देने से काम चलेगा या रामदेव पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए पहले तो दवा बैन होनी चाहिए, नंबर दो नाम परिवर्तन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल रविंद्र जी, आपको रोकना चाहेंगे। इससे अतुल अंजान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता सीपीआई। स्वागत है अतुल अंजान जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ अतुल जी, जिस तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही है आप देख ही रहे होंगे मीडिया में काफी, जिस तरीके से सफाई दी है, कंट्रोवर्सी क्या है वो आपको पता ही होगा कि पुत्र जीवक बीज को लेकर के इस नाम पे बेचा जा रहा है हरियाणा में कि इससे गारंटेड आपको पुत्र ही होगा, ये गारंटी देकर के बेची जा रही है। उसके बाद रामदेव जी ने जो सफाई पेश की है आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अपनी दवा का नाम नहीं बदलेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि हमारे देश के अंदर ही बड़ा भारी एक नया खेल शुरू हो गया है जो विज्ञान के खिलाफ है, तर्क के खिलाफ है, विज्ञान शास्त्र के खिलाफ है, दुनिया के जितनी वैज्ञानिक शोध हुए हैं उन शोध के परिणामों के खिलाफ है। अब बताइए भारत की संसद के अंदर संसदीय समिति का अध्यक्ष ये बतावे कि भारत में आज तक कोई ऐसी शोध नहीं आया है जिसमें ये कहा जाता हो कि तंबाकू और सिगरेट पीने से कर्क रोग होता है यानी कैंसर होता है। इस तरह की बात जब संसद के संसदीय दल के जो है वो कमेटियों के अध्यक्ष बोलेंगे, उस कमेटी जिसमें सिगरेट और गुटखा और तंबाकू पर बैन लगाने की कमेटी है कि उसके ऊपर कितना प्रचार में कितने हद तक उसके ऊपर लिखा जाए कि हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, उसके ही सदस्य 3-3, 4-4 जो है कहें कि ये बिल्कुल बकवास बात है, कैंसर नहीं होता। और जबकि सारे देश में सरकार बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पे, सारे टेलीविजन में ये सब दे रही है। अतुल जी हमारा सवाल और हमारा डिस्कशन कुछ और है। हम आज आपको बता दें कि बाबा रामदेव की जो फार्मेसी है दिव्य फार्मेसी, उसमें एक दवा बेची जा रही है पुत्र जीवक बीज, और दुकान की तरफ से या जो इसे बेच रहे हैं जो लोगों को दे रहे हैं उसकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि गारंटेड पुत्र प्राप्ति होगी इस दवा के खाने से। मैं इस पे आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए धक्का नहीं है? क्या यह लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं है, लोगों की भावनाओं के साथ? क्या बाबा रामदेव पैसा और बिजनेस के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं?
तो बिल्कुल ये अतुल अंजान साहब शायद बात नहीं करना चाह रहे थे, इस पर फोन लाइन कट गया। हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब प्रभावती गौर हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रभावती जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि इस तरीके की कंट्रोवर्सी और इस तरीके की दवा के मार्केट में आने से जो सरकार का जो अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको भी बड़ा धक्का लगेगा? बहुत धक्का लगेगा, क्योंकि सरकार का जो अपना उद्देश्य है, खास करके प्रधानमंत्री जी का, तो उसको बहुत धक्का लगेगा। तो एक किस्म से हो गया कि भाई वो एक तरफ से कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, और ये कह रहे हैं कि इन्हें बेटी नहीं बेटा बढ़ाओ। तो ये तो इस तरह से है, एक किस्म से कंट्रोवर्सी हो गई ना समाज में। बिल्कुल। और इस तरह का आज दुर्भाग्य तो ये है, आज हमारे देश को 66 साल आजाद हुए हो गए हैं, और आज भी इस तरह की मानसिकता के लोग हमारे समाज में पनप रहे हैं। जबकि पढ़ने लिखने में शिक्षा में बहुत आगे बढ़ गया है समाज, फिर भी इस तरह की मानसिकता वाले लोगों की कमी नहीं है। तो खास करके जैसे हमारे कुछ वक्ता ने कहा भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा के ज्यादातर जो है लोग बेटा ही चाहते हैं। अब उनको ये पता नहीं है कि जैसे और लोगों ने भी कहा, मैं भी कह रही हूँ, हरियाणा में पूरे भारत वर्ष का ऐसा स्टेट है हरियाणा जहाँ बेटियों की बहुत कमी हो गई है, शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही है। तो उनके अब तक जो है उनकी मानसिकता बदली नहीं है, अब तक उनके दिमाग में कैसे बदलेगी मानसिकता जब बाबा रामदेव जैसे लोग हैं मात्र अपने बिजनेस के लिए, कुछ पैसे के लिए और अपनी दवा बेचने के लिए, जब इस तरीके के हथकंडे का यदि इस्तेमाल करेंगे तो ये मानसिकता नहीं बदली जा सकती है। आप तो कहेंगे कि जिस तरीके से हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर उन्हें बनाया गया है, उनके उस पर भी सवाल उठना चाहिए। जो राज्यसभा सांसद जया बच्चन जी है, उनका क्या कहना है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। मेरा कहना यह है कि त्यागी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, और इस चीज को, इस कंपनी के लाइसेंस को बिल्कुल बर्खास्त करनी चाहिए, और इसको इमीडिएटली तुरंत इसी वक्त मार्केट में जितना ये पैकेट अवेलेबल है इसको बिल्कुल निकाल देना चाहिए, जला देना चाहिए। बिल्कुल, तो पैकेट निकाल देना चाहिए, जला देना चाहिए। अब कांग्रेस के राजीव शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। बाबा रामदेव की दवा का मसला संसद में उठाया गया, जिसमें सरकार ने कहा है कि भाई वो कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये कहना कि हम जो है लड़का पैदा कर देंगे, ये जो है मनाही है। आप सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी खासतौर से जब फीमेल और मेल रेशियो बहुत कम है देश में, मतलब पुरुष ज़्यादा है महिलाएँ कम है, और बेटी बचाओ आंदोलन चल रहा, हरियाणा सरकार ने तो बेटी बचाओ आंदोलन जो है चलाया हुआ है, लेकिन रामदेव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ। तो बाबा रामदेव से यही अपील है कि इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल न कर। सीपीएम नेता एनी राजा भी हमारे साथ जुड़ी हैं, इसे मुद्दे पर उनको भी सुन लेते हैं डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले। कोई दवाई अभी तक उसमें सुनिश्चित नहीं कर सकती है। इसमें चर्चा की मुद्दा बात यह है कि जो रिलीजियस बिलीफ और जो सुपरस्टिशियस बिलीफ वट एवर मे बी, इफ यू वन बिलीव्स इन दैट इन सन प्रिफरेंस एंड मुक्ति मोक्ष ऑल दीस थिंग, इट्स वन पर्सनल थिंग। सो द फोर्सेस जो ताकतें हैं ये, और ऐसा कोई भी कंपनी आगे हिम्मत ना करे कि ऐसा चीज है। जी हाँ, यानी राजा जो कि कह रहे थे कि ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ है हमारे साथ। हम आपको दो बाइट और आपको सुनाएंगे, दो बयान जो कि हमारे साथ जुड़े थे। मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा हठ योगी जो कि हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े। पहले हठ योगी जी को सुन लेते हैं, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे मनोहर लाल खट्टर जी ने किस तरीके से बाबा रामदेव का बचाव किया इस पूरे मामले पर। पुत्र वाली दवाई दे के भारत को स्त्री विहीन करना चाहता है, और सत्य तो यह है कि इसमें ये महानंबर ठग है। ऐसी कोई दुनिया में दवाई नहीं है जो लिंग परिवर्तन कर दे और इस लड़की से लड़का बना दे और लड़की से लड़का हो जाए और लड़के से लड़की हो जाए। ये अंधी और भेरी हरियाणा सरकार, इसे तुरंत जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वहां से रामदेव को हटा देना चाहिए, और इस इतना सख्त कानून के अनुसार इस दवाई की जांच होनी चाहिए।
देखिए मेरी स्वयं बात हुई है रामदेव जी से, उन्होंने कहा कि वो एक नाम है और वो नाम जो है वो केवल लड़का होगा ऐसा नहीं है, उसमें वो संतान उत्पत्ति का कोई एक जड़ी बूटी है जिसका प्राचीन नाम संस्कृत में, क्योंकि उन्होंने तो ये यहाँ तक भी कहा कि संतान को पुत्री कहा जाता है संस्कृत में, पुत्र पुत्री दो शब्द नहीं है, तो इसलिए वो प्राचीन नाम है, इसलिए उस नाम को बदलने का उनको कोई अधिकार नहीं है, वो एक जड़ी बूटी प्राचीन है ऐसा उनका कहना। जी हाँ, तो ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि सीधे तौर पे अपने एम्बेसडर, अपने ब्रांड एम्बेसडर राज्य के बाबा रामदेव का बचाव कर रहे थे। हम अपने अपने मेहमानों से फिर से एक बार जुड़ेंगे, चलेंगे सीधे देहरादून, देहरादून से प्रभावती गौर जी और हमारे साथ रविंद्र जुगरान जी है। रविंद्र जी, जिस तरीके से मांग उठ रही बाबा हट योगी है, वो भी कह रहे थे कि ब्रांड एम्बेसडर इनको जो बनाया गया है तत्काल हटाना चाहिए, इसको तत्काल उस पद से उनको निकाल देना चाहिए, और दूसरी तरफ हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो इनका बचाव कर रहे हैं, क्या कहेंगे, इनको एम्बेसडर से हटा देना चाहिए? देखिए ब्रांड एम्बेसडर की बात और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य है उस पर कोई भी टिप्पणी करने का मेरा बीजेपी के वर्कर के नाते नैतिक अधिकार और उत्तरदायित्व नहीं बनता है। ये नेशनल जो हमारी लीडरशिप है वो ही इसके बारे में कुछ कहे तो ज्यादा उचित और तर्कसंगत होगा, और मेरे लिए यह कहना उचित नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नाम परिवर्तन होना चाहिए और परीक्षण होना चाहिए दवा का, और इस पर बैन लगना चाहिए, और जो भी प्रोडक्ट बना हुआ है उसको विड्रॉ होना चाहिए, मार्केट से हटना चाहिए। जी प्रभावती जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ब्रांड एम्बेसडर का जो इन्हें हरियाणा का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उस पद से इनको हटाया जाना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में खासतौर पे जो समस्या है उस समस्या के प्रचार पर ब्रांड एम्बेसडर का काम ये होता है कि जिस प्रदेश का वो ब्रांड एम्बेसडर है वो ना सिर्फ उस प्रदेश की छवि सुधारे बल्कि वहां की जो समस्या है उसमें भी उसको भी सुधारने में योगदान दे अपना, और जो मूल समस्या हरियाणा की है बेटियों की संख्या काफी कम है वहां पर, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से की थी, लेकिन उसी प्रदेश का एक ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव यदि बेटी को बचाने और बढ़ाने की जगह उसे घटाने और बेटे को बढ़ाने की बात करते हैं तो क्या उन्हें एम्बेसडर पे पद पे रहने का नैतिक अधिकार बनता है? क्या कहेंगी, क्या उन्हें सीधे तौर पे हटा देना चाहिए? मुझे लगता है कि ये इसी का फायदा उठा रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाने के जो बनाया गया उनको उसी का फायदा ये हरियाणा की जनता से उठा रहे हैं, और जैसे कि अब तक कहा भी गया है हरियाणा में धड़ल्ले से इसकी बिक्री हो रही है, तो होता ही है, कुछ लोग जो है बिल्कुल ऐसे अंधविश्वास करते हैं कि हाँ बिल्कुल बाबा कह रहे हैं तो बिल्कुल सच्ची होगी ये बात है। इस तरह से मुझे तो लगता है कि अगर गलत कदम उठा रहे हैं वो तो उनको इस पद से बिल्कुल हटा देना चाहिए ताकि जनता को भ्रम न हो, जनता को भ्रमित न करें, और जनता किसी भी तरह से जनता का बुरा न हो, समाज में अव्यवस्था न फैले। बिल्कुल प्रभावती गौर साहब, हमारे पास समय की कमी है, हमें अपने प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करना होगा, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं, हम आपको छोड़ जाते हैं पब्लिक मंच के साथ। एक रिपोर्टर बिहार में लालू जी का इंटरव्यू ले रही थी। रिपोर्टर: लालू जी देखिए बिहार में औरतों के पास पहनने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं है। लालू जी हंसते हुए: अरे रिपोर्टर वाह, तुम भी मेरे को फूल ही लगती हो, क्या कभी टीवी नहीं देखा? रिपोर्टर हैरानी से: क्यों लालू जी? अरे उधर रिच वुमन हुआ भी पूरे कपड़ा नहीं पहनती, ये तो आजकल का फैशन हुआ है। एक फुटबॉल मैच में लालू: ये लोग बॉल को पैर से क्यों मार रहे हैं? सरदार जी: गोल करे के लिए। लालू: पर बॉल तो पहले ही गोल है, और कितनी गोल करेंगे? केजरीवाल की पत्नी खाना लगाती है। पत्नी: ये लो खाना खा लो। केजरीवाल: ये क्या है? पत्नी: दाल चावल। केजरीवाल: मैं नहीं खाऊंगा, दोनों मिले हुए हैं, और ज्यादा बोली तो धरना दे दूंगा चावल के खिलाफ। लालू: एक विद्वान ने कहा है कि मूर्ख आदमी की बीवी बहुत सुंदर होती है। राबड़ी: अब रहने में दीजिए, आपके पास तो हमारी तारीफ के अलावा कोई काम ही नहीं है।
मंत्रालय